महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला लिया कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया जाए। बीजेपी के इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि अब तक लोग ये सोच रहे थे कि शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि शिंदे ही सीएम बनाए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटों वाली बीजेपी ने सिर्फ 41 विधायकों वाले बागी गुट के नेता को सीएम क्यों बनवाया? जरूर बड़ी वजहें रही होंगी, आइए बारी बारी से उन पर मंथन करते हैं। पहली वजह, शिंदे को सीएम बनाने का सबसे ज्यादा दुख किसी को हुआ होगा तो वो है देवेंद्र फडणवीस। लेकिन फडणवीस ये बात नहीं जानते कि ये दुख उनका निजी दुख हो सकता है, पार्टी के लिए इसमें दुख की कोई बात नहीं। अगर फडणवीस को फिर से सीएम बना दिया जाता तो शिवसेना मराठों का दिल न जीत पाती, कोई और नहीं तो शिवसेना ही कह देती कि मराठा के ऊपर एक ब्राह्मण को तवज्जो दी गई। महाराष्ट्र में 31% मराठा वोटर्स हैं और एकनाथ शिंदे मराठा है, अब भला बीजेपी इस मौके को कैसे चूक जाती? दूसरी वजह, बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाकर शिवसेना के विरोध को खत्म कर दिया। अगर बीजेपी फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देती तो शिवसैनिक शिंदे से बगावत की वजह पूछते, लेकिन बीजेपी ने तो शिंदे को कप्तानी देकर शिवसैनिकों का मुंह बंद कर दिया। अब आप ही बताइए, शिवसैनिक किस मुंह से शिंदे की आलोचना करेंगे? तीसरी वजह, एकनाथ शिंदे के सीएम बनाए जाने पर लोग जितना हैरान हुए उससे ज्यादा उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि दो बार के सीएम फडणवीस डिप्टी सीएम कैसे बन गए। राजनीति में कोई भी सीएम यूं डिप्टी सीएम बनकर अपना डिमोशन क्यों करवाएगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व में ज्यादा मजबूत कौन है। चौथी वजह, ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे को आने वाले 2.5 साल के लिए बीजेपी ने कुर्सी पर बैठाया है, इसके पीछे बीजेपी की दूरगामी सोच है जिसे वो भविष्य में इस्तेमाल करके इस खेल को खेल रही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज वो एक मराठा को मुख्यमंत्री बनाकर इस पर वाहवाही बटोर ले और 2 साल बाद कह दे कि हम शिंदे को हटाकर फडणवीस को दोबारा सीएम बना रहे हैं। अगर वो ऐसा करेगी तो आज इस कदम से उसे जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा कल नुकसान उठाना पड़ेगा। पांचवी वजह, आलाकमान ने फडणवीस को समझा दिया होगा कि सीएम बनने के लिए आपके पास काफी उम्र पड़ी है, और वैसे भी फडणवीस के पास मानने के अलावा कोई और विकल्प था भी तो नहीं, क्योंकि वो राजस्थान की वसुंधरा राजे जितने ताकतवर तो होने से रहे, जो अपनी ताकत के बूते सचिन पायलट की लाख बगावत करने के बावजूद उनके हाथ में सत्ता जाने से बचा ले। ऐसे में आलाकमान का कहा मानने के सिवाय फडणवीस के पास कोई और विकल्प नहीं बचता था। तो ये थी वो 5 बड़ी वजहें जिसके चलते एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। अगर ये 5 वजहें ना होती तो ये तय था कि फडणवीस ही फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते। टीम खबर अपडेट।